नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूआत पर। ताबिश एजाज खान मुस्तकबिल डॉक्टर, ताहम कश्मीर की कम उम्र आर्टिस्ट। शुपया में 41,000 घरानों तक पहुंचेगा नल से पानी। खवातीन की बाइख्तियारी मंसूबे के तहत हुनरमंदी की तरबियत। हाईटेक स्पाइस पार्क किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से घर घर रोशन। कुदरत ने इंसान में बेपनाह जवाहर समोए हैं, जिसमें जौहर तख्लीक खास है। इंसान को इस अजीम तोहफे के बदौलत ही फनून लतीफा में दिलचस्पी पैदा होती है। ताबिश एजाज खान कश्मीर की एक कम उम्र आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने MBBS की तालीम हासिल करने के साथ साथ बहुत ही कम अरसे में फन मुसविरी में महारत हासिल की और अपनी तख्लीकात व फन पारों से लोगों को रूबरू किया। ताबिश एजाज खान का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से है। ताबिश कैनवस प्रिंटिंग करने में मसरूफ हैं। अतराप में और बहुत सारी पेंटिंग्स भी अवाम की दिलचस्पी के लिए रखी गई हैं। मुसव्विरी की दुनिया में ताबिश अभी नई हैं, लेकिन उनका इरादा है कि वो अपने शौक को आगे लेकर जाएंगी। ताबिश MBBS की तालीम हासिल कर रही है, लेकिन फन मुसव्विरी से उनकी गहरी दिलचस्पी है, जो उसके फन से खूब झलकती है। मैं जो मोस्टली बनाती हूँ पेंटिंग्स, वो मैं बनाती हूँ अपार्ट फ्रॉम कैनवास, नॉर्मल कैनवास शीट्स या पेपर्स, उन पर भी बनाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, प्रेफर करती हूँ चिनार लीव्स, वुडन ब्लॉक्स या कोई यूजलेस थिंग्स जैसे टूटा हुआ कप, प्लेट या एक्शल्स, उन पर भी मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है, स्टोन्स पर भी बनाई है। एज कि नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉट यूजलेस अनलेस यू सी इट नाइसली। जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से देखते हैं, हमें पता चलता है कि नहीं, ये एक यूजलेस नहीं है। जैसे मैंने एक कप, ब्रोकन कप में बनाया या एक्चुअल में बनाया, वो चीज़ें यूजलेस से एक ब्यूटीफुल चीज़ में टर्न हो जाती है। ताबिश एजाज ने फन मुसव्वरी की न तो तरबियत हासिल की है और न ही तालीम। बचपन से उन्हें पेंटिंग में दिलचस्पी रही है। उनका कहना था कि उन्होंने फन मुसव्वरी की शुरुआत चिनार के पत्तों पर नक्श साजी के साथ की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनका पेंटिंग की तरफ झुकाव रहा है, लेकिन फन मुसव्वरी उनके लिए मशगले से कुछ और था। ताबिश के आर्ट की काफी पजीराई हुई है। आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है। मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक था, तो मैं बचपन से कार्टून्स बनाना स्टार्ट करती थी या बुक्स पे भी जो भी होते थे पिक्चर्स, वो बनाती थी। विद टाइम आई गॉट मोर ग्रिप्ड इनटू इट, और विद प्रैक्टिस इंसान हो जाता है ठीक, आगे जाके इंसान इम्प्रूव हो जाता है विद प्रैक्टिस। और आई स्टार्टेड टू मेक एवरीथिंग लाइक नेचर या कुछ भी, मुझे अच्छा लगता था सब बनाना। तो मैं जो बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक था, बट इन 2016 मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, तो मुझे उस टाइम अभी कॉलेज नहीं हुआ था स्टार्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम था उस टाइम। तो मैंने उस टाइम पेंटिंग बनाना स्टार्ट की और वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट की सोशल प्लेटफॉर्म्स में, नाइस रिस्पॉन्स था। तो उसके बाद मुझे आया कि मैंने पहचाना कि मेरा क्या पैशन है अपार्ट फ्रॉम लाइक जो मेरा आर्ट था। तब तक मुझे लगता था ये मेरी एज एन हॉबी है, बट उसके बाद मुझे लगा ये मेरा एक पैशन है। ताबिश का कहना है कि अब तक जो भी कामयाबी उन्हें हासिल हुई है, वो उनके लिए बाइस फख्र है। उनका कहना था कि तालीम के बाइस किसी बड़े मुकाबले में अब तक शिरकत नहीं कर सकी, लेकिन जिन भी मुकाबलों में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की। ताबिश का कहना है कि उनके वालिदैन काफी सपोर्ट करते हैं। ताबिश अपने स्कूल उस्ताद के फन से काफी मुतासर हैं। घर वालों का मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेरे मामा पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे
उन्होंने हर किसी डिसीजन में मेरे सपोर्ट किया है कि आपको क्या करना है. मतलब उन्होंने बोला था आपको अगर आर्टिस्ट बनना है जस्ट गो फॉर इट, बट मुझे शौक था डॉक्टर बनने का ही, बट उन्होंने मुझे आर्टिस्ट में भी और डॉक्टर में भी दोनों में सपोर्ट किया है और अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. देयर इज़ 100% सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स. लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ओवरऑल, बट हाँ विद नाइस कमेंट्स देयर इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म. अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो लोगों को किसी इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं मिलेगी. उसको हमेशा लगेगा आई एम ए परफेक्ट. नहीं, कि जब क्रिटिसिज्म होता है तो वहाँ पे लोग सीखते हैं. जैसे मुझे क्रिटिसाइज होता है, कभी कभार कमेंट्स आते हैं, बैड कमेंट्स आते हैं, आई टेक दम एज ए पॉजिटिव वे. तो उस वजह से मैं ही सीखती हूँ, उस वजह से मैं ही अपनी गलतियाँ ठीक करती हूँ और इसकी वजह से मुझे इम्प्रूवनेस मिलती है. ताबिश का कहना है कि कश्मीर में आर्ट को फरोग देने के लिए कोई मौसर नुमाइंदा प्लेटफॉर्म नहीं है. यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है. यहाँ तख्लीकी ज़हन रखने वाले दुनिया में किसी भी मैदान में अपना लोहा मनवाने का हुनर और फन रखते हैं. ताबिश अपनी MBBS तालीम जारी रखने के साथ साथ फन मुसव्वरी का दामन भी नहीं छोड़ने का अज़्म रखती है. पहले आप एक ऐसी चीज़ ढूंढिए जिसकी वजह से आपको सुकून मिले. जब आपको सुकून मिलेगा, जैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ाई का भी, या किसी बहुत ज़्यादा पढ़ाने का भी, एग्ज़ाम्स का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. बट मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसकी वजह से मुझे एक एस्केप है फ्रॉम स्ट्रेस, कि मुझे एक हैप्पीनेस मिलती है और एक पीस मिलता है जब मैं ये बनाती हूँ. तो मोस्टली जब मुझे भी ये स्ट्रेस होता है मैं आर्ट करती हूँ. आप भी एक ऐसी चीज़ ढूंढो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस ना हो, जिसकी वजह से आपको खुशी मिले या आपको खुद पे प्राउड फील हो कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग नाइस फॉर मायसेल्फ एंड फॉर योर पेरेंट्स. पेंटिंग में न सिर्फ ज़हनी सुकून है बल्कि ये एक अच्छा जरिए मौश भी है. वक्त आ गया है कि दुनिया के हर कोने की ख्वातीन डॉक्टर और टीचर्स बनने के अलावा दीगर फील्ड्स में भी शमूलियत इख्तियार करें. वजीर अजम जल जीवन मिशन स्कीम के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला शुपया में हर घर तक पानी पहुंचाने के मंसूबे की अमल आवरी बड़े पैमाने पर शुरू की गई है. इस मिशन के तहत 41,000 घरानों को साफ शफाफ पानी की सप्लाई मुहैया होगी. मकामी लोग हुकूमती इकदाम की सराहना कर रहे हैं. पेश है ये रिपोर्ट. वज़ीर आज़म जल जीवन मिशन स्कीम को जनूबी कश्मीर के पहाड़ी ज़िला शुपयां में मौसर तरीके से अमल आवरी की जा रही है ताकि ज़िले में 24 घंटे पानी की सप्लाई यकीनी बन जाए. ज़िले में इस मिशन के तहत 41,000 घरानों को साफ पानी की सप्लाई मुहैया होगी. यहाँ चले कलान होता है तो हर गांव में यहाँ मतलब किलर में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो यहाँ के पाइप है वो जाम हो जाती थी. वो कहीं जगह पे पुरानी थी, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है. अब जो यहाँ नए पाइप बिछारे, नए लाइन बिछारे, ये तो जम जाती थी. अब तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी. हुकूमत के जाम मनसूबे के तहत ज़िला शुपयां में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर तामीरी काम शुरू किया गया है. इंतजामिया ने खास तौर पर खुश्क जरा इलाकों, स्कूलों, आंगनवाड़ी और हेल्थ सेंटरों की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज की हुई है. मकामी लोग हुकूमती इकदामात की सराहना कर रहे हैं. जो ये स्कीम चालू हुई है, हमें इससे मुश्किलात दूर हो जाएंगे, हमारे घरों में पानी आ जाएगा. और हम बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे थे यहाँ, इसलिए हम ये शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि इन्होंने ये पाइपें डाली है और हमें पानी मिलेगा. अब हम पीने का पानी, साफ पानी इस्तेमाल करेंगे. हुकाम का कहना है कि हर घर तक साफ पानी पहुँचाने के लिए अहदाफ की निशानदेही हो चुकी है और अगस्त 2021 तक अहदाफ को हासिल करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई है. इस सिलसिले में यहां पहले से नस्ब की गई पानी की पाइपों को तब्दील किया जा रहा है ताकि पानी की सप्लाई बगैर किसी खलल के जारी रह सके. जो प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम था उसमें हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जल जीवन मिशन, उसमें हमने अभी तक 61 प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ कंपाइल किए हैं जिन पे अप्रूवल स्टार्ट हो गई है. 6 प्रोजेक्ट्स का हमने टेंडरिंग भी किया है. तो हमारा प्रोग्राम यह है कि
बाय द एंड ऑफ 2021 हमारा वैसे टारगेट गवर्नमेंट ने दिया है अगस्त 2021 तक ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए, जिससे पूरा डिस्ट्रिक्ट शुपियान के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जो हमारे तकरीबन 41,000 हाउस होल्ड्स हैं, उनमें हमको हर घर नल की स्कीम है। जल शक्ति की वजारत मरकजी हुकूमत के अहम प्रोग्राम जल जीवन मिशन को नाफिज करने के लिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ काम कर रही है। इस मिशन के तहत 2024 तक हर दीही घर को नल के पानी के कनेक्शन के जरिए यौमिया फी शख्स को 55 लीटर पोर्टेबल पानी की फराहमी की गुंजाइश है। इस मिशन का मकसद दीही अवाम खुसूसन ख्वातीन और लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। ख्वातीन की बा इख्तियारी मंसूबे के तहत सुबह जम्मू के जिला उधमपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उधमपुर के जरिए PMEGP के मुस्तकीन के लिए हुनरमंदी का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ख्वातीन की बाइख्तियारी मंसूबे के तहत सूबा जम्मू के जिला उधमपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SBIRSTI उधमपुर के जरिए PMEGP के मुस्तकीन के लिए ख्वातीन की टेलरिंग, जूट प्रोडक्ट मेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ जुमरों में एक माह तवील तरबियती प्रोग्राम का अहतमाम किया। हमारे इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मोटू है कि जो गांव की औरतें हैं वो अपना रोजगार खुद करें, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपने घर की आय बढ़ाएं। ये ट्रेनिंग कोर्स जो है हमारा ये 30 दिन का चलेगा। इसमें हम इनको पूरी ट्रेनिंग देंगे कि सिलाई कढ़ाई के जो भी हुनर है, गुण है, वो उसमें उनको सिखाए जाएंगे। तरबियती प्रोग्राम के दौरान जिले के दीही और दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुनरमंदी की तरबियत दी गई ताकि वो बाइख्तियार बन सकें। ख्वातीन ने कहा कि तरबियती प्रोग्राम के दौरान मुस्तहक ख्वातीन को मुफ्त दस्तकारी, सिलाई और कढ़ाई की तरबियत दी गई। उनके बकौल जिस तरह तालीम को जेवर समझा जाता है, इसी तरह हुनर भी ख्वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हर इंस्टीट्यूट में की क्वालिफिकेशन है, 10th पास, 12th पास, मतलब जो स्कूल गया भी नहीं है वो भी कर सकता है आके। और ये 30 डे का ये हमारा कोर्स है, 10 डे हमें करते हुए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हमारी जो सिखाने वाले टीचर हैं, मैम है, सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि हम आगे जाके अपना काम खोल सकेंगे, हम अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकेंगे, खुद काम खोल के खुद कर सकेंगे। हुक्काम का कहना है कि तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले ट्रेनियों में असनाद तकसीम की गयी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम खुद रोजगार पैदा करने और खुद इन्हसारी पैदा करने में एक लंबा सफर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि तकनीकी, फैशन और दस्तकारी दस्तों के शोबों में रोजगार के मौके पैदा करने की बेहद गुंजाइश मौजूद है और हुकूमत ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों को मजीद तरक्की देने और उनके कारोबार को फरोग देने के लिए हर तरह की लॉजिस्टिक और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुतादिद प्रोग्राम शुरू किए हैं। यहाँ पे हमें पेपर होंगे और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको सर पता है कि जैसे हमें कोई भी काम खोलना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है। बिना सर्टिफिकेट के नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है कि जो अपना बुटीक या बिजनेस और बढ़ाना चाहता है उसके लिए लोन भी प्रोवाइड होगा। लोन के थ्रू वो उसमें सब्सिडी भी मिलेगी, तो उससे क्या हो गया, आप अपना काम खोल के और उनको भी काम दे सकते हैं। तरबियत याफ्ता अफराद से कहा गया है कि वो आगे आएं और उनकी मौशरती और इक्तसादी तरक्की के लिए इस तरह के महारत से तरक्की के प्रोग्रामों से फायदा उठाएं। कश्मीरी ज़ाफ़रान को फरोग देने और किसानों के लिए मयारी सहूलियात बहम रखने के मकसद के तहत वादी में अपनी नवियत की पहली हाईटेक स्पाइस पार्क कायम की गई है। इस पार्क का बुनियादी मकसद ज़ाफ़रान के मयार को बरकरार रखना और प्रोसेसिंग को यकीनी बनाना है।
इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीरी ज़ाफ़रान मैयार और जायके के लिहाज से मशहूर आलम है। जनूबी जिला पुलवामा की तहसील पांपोर में ज़ाफ़रान के खेतों में ज़ाफ़रान की काश्त होती है। हुकूमत कश्मीरी ज़ाफ़रान को फरोग देने, इसके मैयार को बरकरार रखने और इस सनत से जुड़े अफराद को बराह रास्त फायदा पहुँचाने पर कई सतहों पर इकदाम कर रही है। इसके तहत अपनी नौयत की पहली हाईटेक स्पाइस पार्क कायम की गई है, जिसमें तमाम तर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब की गई है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग, एक ही एंड लास्ट ई ऑक्शन। हमारा डिपार्टमेंट जो है इनको फील्ड से ही फैसिलिटेट करता है, ट्रे प्रोवाइड करके। 10,000 ट्रेज हैं हमारे पास जो हम फार्मर्स को देते हैं कि आप फार्म उसमें फ्लावर्स लाते हैं, फिर हमारा एक यहाँ कलेक्शन सेंटर है उसमें वो रखें, वहाँ से फिर उसको कोडिंग करके स्टिग्मा सेपरेशन में लगाया जाता है। ज़ाफ़रान तिजारती बुनियादों पर सबसे ज्यादा भारत, स्पेन और ईरान में काश्त किया जाता है, ताहम कश्मीर में काश्त की जाने वाली किस्म बेहतरीन समझी जाती है। यूनान में सबसे पहले काश्त होने वाला ज़ाफ़रान अब सैकड़ों बरसों से कश्मीर में काश्त किया जाता है। जदीद तरीन मशीनरी से लैस हाईटेक स्पाइस पार्क में ज़ाफ़रान की दर्जाबंदी के साथ साथ मयारी पैकिंग भी होगी, ताकि इससे आलमी बाजारों तक पहुँचाया जा सके। इस साल हम पहली बार यहाँ आए हैं कि हम वो ट्रेडिशनली इसको सुखा देते थ्रू सन, वो चूंकि उसमें से वो जो क्रोसिन लेवल इसमें होती है वो बहुत कम हो जाती है डायरेक्ट सनलाइट से, तो अब थ्रू टेक्नोलॉजी ये सुखा रहे हैं कि इसमें जो क्रोसिन लेवल जो जिसका कीमत है, जिसकी कीमत होती है एक्चुअली क्रोसिन जो मेडिसिन वैल्यू है, तो बोल रहे हैं कि इसमें वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्राइव करेंगे तो वो काफ़ी मकदार में रहती है। पांपोर जनूबी जिला पुलवामा का एक छोटा सा कस्बा है, जहां हजारों हेक्टेयर रकबे पर ज़ाफ़रान काश्त किया जाता है। ये कस्बा श्रीनगर से महज एक घंटे की मसाफत पर है। पांपोर को कश्मीर का ज़ाफ़रानी कस्बा भी कहा जाता है और हुकूमत ने इसी कस्बे में ज़ाफ़रानी खेतों के बीचों बीच हाईटेक स्पाइस पार्क का कयाम अमल में लाया है। ज़ाफ़रान के काश्तकार ज़ाफ़रान के फूलों से रेशे रवायती तौर अफरादी कुव्वत के जरिए हासिल करते हैं, जबकि इस काम के लिए घरेलू ख़वातीन की भी खिदमात हासिल की जाती थी, लेकिन अब ये काम मैयारी तौर पर स्पाइस पार्क में होगा ताकि आला ज़ाफ़रानी मसाला तैयार किया जा सके। ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो इससे पहले हमें घर में ही सुखाना पड़ता था, घर में ही मतलब हाँ अपने तरीके से, तो इसके लिए घर में बाकी काम हाँ वो साइड में रख के ये काम पहले करना पड़ता था, क्योंकि इसके लिए एक अलग से आदमी भी लगता था कि जो ये काम कर सके, तो इस ये यहाँ बहुत अच्छा हो गया है कि यहाँ पे अब सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे बस लाना होता है, प्रॉपर तरीके से होता है सब कुछ, तो अच्छा सा मैकेनिज़म है, साइंटिफिकली यहाँ पे ड्राई करके देते हैं, फिर प्रॉपरली जो पैक करके देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। एक पाउंड वजन के ज़ाफ़रान के लिए 75,000 फूलों की जरूरत होती है। ज़ाफ़रान ज्यादातर अद्वियात बनाने और कश्मीरी खानों में खास तौर पर वाजवान में इस्तेमाल होता है। ज़ाफ़रान कश्मीरी कहवे में रंग और खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत कश्मीरी ज़ाफ़रान को हर सतह पर फरोग देने के लिए कोशां है, जबकि हाल ही में कश्मीरी ज़ाफ़रान को जोग्राफियाई शनाख्ती निशान की संग अता हुई है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम का बुनियादी मकसद शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी मुल्क के सभी ख्वाहिशमंद कुंभों के घरों में बिजलीकारी को यकीनी बनाना है। इस स्कीम के तहत सुबह जम्मू के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में घर घर रोशन हो रहा है। पेश है इस बारे में हमारी रिपोर्ट।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का आगाज करते हुए बरसों पहले मुल्की अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। सौभाग्य स्कीम का मकसद शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी मुल्क के सभी ख्वाहिशमंद कुंभों के घरों में बिजली कारी को यकीनी बनाना है। इस स्कीम के तहत सूबा जम्मू के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में घर घर रोशन हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 44-45 के आसपास पंचायतें हैं जो नौशहरा में, उसके अंदर जो इलेक्ट्रीफाइड हाउसेज नहीं थे आज की डेट में वो इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। तो अगर हाउस होल्ड्स की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 to 1600 हाउस होल्ड्स होंगे जो इससे कवर हुए और जिनके घर में आज बिजली पहुंच चुकी है। जिला राजौरी में सौभाग्य स्कीम के तहत गरीबों की जिंदगी में तारीखी तब्दीली लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिले के मुख्तलिफ दूर दराज और कंडी इलाकों में पहली बार बर्की रौ पहुंच रही है। कई देहात में पहली मर्तबा आजादी के बाद पावर सप्लाई पहुंच गई है। मकामी लोग हुकूमती इकदामात पर मसर्रत का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि बिजली की अदम दस्तियाबी के सबब बच्चे मुस्तकबिल की तालीम हासिल नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे। बहुत परेशान थे, पहली बार खंभे लगे। हम बहुत बहुत शुक्र गुजार है गवर्नमेंट का, बहुत बहुत जो शुक्रिया उनका। 47 पीछे आज खंभे लगे हमारे इलाके में, तो बहुत बहुत ताबेदार। हम लोग जंगलों में रहते हैं, कोई सहारा नहीं है किसी गाल का, चलो बिजली का भी गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकाम का कहना है कि नौशहरा सब डिवीजन से 1600 घरानों तक बिजली पहुंचाई गई है और 45 पंचायतों को इसके जुमरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों में 7 दहाइयों बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य के तहत बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से देही तरक्की को फरोग मिलेगा। जनाब मैं बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का कि हम 47 अगे लाइट कोई नहीं थी, अभी डाट आई है। हाँ फोन के बहुत मुश्किल से फोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाते थे, अभी डाट आ गई है। हमको बहुत शुक्रिया आप गवर्नमेंट का कि ये डाट आ गई है हमारे घर में। देही इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल होने से मकामी लोगों ने छोटे दर्जे के कारखाने कायम किए जिनमें वेल्डिंग शॉप्स, फ्लोर मिल्स, फर्नीचर यूनिट्स वगैरह शामिल हैं। 25 सितंबर 2017 को वजीर आजम ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का आगाज किया था। मुस्तहकीन खासतौर पर बीपीएल जुमरे में आने वाले कुंभों को मुफ्त बिजली कनेक्शंस दिए जाते हैं। नाजरीन इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा आप हमें अपनी राय बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़।